बसमिल वरम्ह वर्क डी एस स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल आई एम आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी बट इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक इंग्लिश फाइव जीरो टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सिलेबस लेसन नंबर टू हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था तो इसको मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया तो दो वीडियोज़ आप देख चुके हैं और अब हम थर्ड वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और यानी कि तीसरा पार्ट इस लेसन का जी स्टूडेंट्स ये यहां से स्टार्ट होगा टॉपिक नंबर इलेवन से <coughs> थर्ड पार्ट इस चैप्टर को तीन वीडियोस में मैंने डिवाइड किया तो थर्ड जो इसका पार्ट है उसका आगाज़ करते हैं लेकिन आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड पार्ट को लेसन नंबर टू का थर्ड पार्ट टॉपिक नंबर अलेवन टू ए ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज की जबान की तरफ लिंग्विस्टिक साइंस यानी जो जुबान है वो साइंस का दर्जा कैसे हासिल करती है लिंग्विस्टिक साइंस इज़ ए स्टेप इन सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ मैन जो लिसानी साइंस है या जुबान की जो साइंस है ये इंसान की खुद खुदशनासी की तरफ एक स्टेप है एक कदम है जो जुबान की साइंस है ये इंसान की खुद खुदशनासी की तरफ एक कदम है रोड द एमिनट अमेरिकन लिंग्विस्ट ये एक बहुत मशहूर अमरीकी माहर लसानियात माहर ज़ुबान लिनॉर्ड ब्लूम फील्ड एट द बिगनिंग ऑफ़ द ट्वेंटी सेंचुरी उसने बीसवीं सदी के आगाज़ में ये बात कही थी कि जो लिंग्विस्टिक साइंस है जो ज़ुबान की साइंस है ये इंसान की खुद शनासी की तरफ एक कदम है द स्टेप ट्रावर्स मिलीनिया ये जो कदम है ये हज़ारों सालों का फासला भी तय करता है इंसान की तारीख जब से है तो इंसान की खुद शनासी का जो अमल है कि आज का इंसान जो अपने कदीम आबावाद से मौजूदा इंसान तक पहुँचा तो उसकी हिस्ट्री उसकी तारीख ये हज़ारों सालों का जो खुद शनासी का अमल जिसको कि हम लिंग्विस्टिक साइंस भी कह सकते हैं तो ये कई हज़ार सालों का फ़ासला भी साथ तय करता है लॉन्ग बिफोर रिटर्न लैंग्वेज तहरीरी ज़ुबान से बहुत पहले एंशंट ह्यूमन स्पीच एज ए स्पेशल गिफ्ट ऑफ़ ए गॉड कदीम ज़माने के लोग इंसानी गुफ्तु को स्पीच को खुदाई तोहफ़ा करार देते थे या फिर देवताओं का तोह करार देते थे आई बिलीव स्टिल हेल्ड बाय मैनी अन रिलेट कल्चर्स आज भी जहाँ पर अन रिलेटेड कल्चर्स हैं ऐसी स्काफतें मौजूद हैं जिनका दुनिया के साथ दूसरे कल्चर के साथ ताल्लुक़ नहीं है वहाँ पर आज भी जो इंसानी स्पीच है इंसान के बोलने का अमल है उसको खुदाई देन कहा जाता है यानी कि गॉड गिफ्टेड है अल्लाह ताला की तरफ से या फिर अगर वो देवताओं पे यकीन रखते हैं तो देवताओं का दिया हुआ तोहफ़ा है सीरियसली ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ लैंग्वेज बिगेन इन इंडिया एंड ग्रीस संजीदगी के साथ एक मनजब मतला लैंग्वेज का ज़बान का संजीदगी के साथ जो स्टडी थी वो हिंदुस्तान और यूनान में शुरू हुई इन दी फर्स्ट मिलीनियम बी सी कबल मसीह के पहले हजारीय में यानी कबल मसीह से एक हज़ार पहले एंड हैज़ कंटिन्यूड और ये जारी रही इन एन अनब्रोकन एक बग़ैर टूटे सिलसिले में एंड म्यूचुअली एन रिचिंग ट्रेडिशन और बाहमी तौर पर एक मज़बूत रवायत के साथ ये सिलसिला जारी रहा अप टू प्रेजेंट डे और आज के दिन तक जारी है यानी आज 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर है तो इसमें आप एक हज़ार साल और डाल डालें तो तीन हज़ार साल पहले से जो इंडियन लैंग्वेज और जो यूनानी लैंग्वेज है इनका सिलसिला बग़ैर टूटे और एक रवायत के साथ आज के दिन तक जारी है लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक ग्रामाटिकल टर्म्स लातीनी तराजम ग्रीक ट्रांसलेशन के ग्रीक जबान जो थी यूनानी ज़बान जो थी उसकी जो ग्रामाटिकल टर्म्स थी उनके जो लातीनी ज़बान में ट्रांसिशंस की गई उनमें नाउन थे प्रो नाउन थे वर्ब एड वर्ब आर्टिकल ट्रांजिटिव इन नाउन इसम प्रो नाउन इसमें ज़मीर वर्ब फेल एड वर्ब फेल इसी तरह एडजेक्टिव इसमें सिफ्त आर्टिकल फेल आ, 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 आर्टिकल वगैरह और उसके बाद ट्रांजिटिव और इन यानी फ़ेल मतदी और फेल लाजम इनफ्लैक्शन लैंग्वेज के अंदर जो मोड होते हैं डेक्लेंशन उतार चढ़ाव टेंस फेल के ज़माने केस हालतें जेंडर सिफ्त या जिनस आ, सब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट मफूल और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो थी आर स्टिल यूज टू डिस्क्राइब लैंग्वेज इन मोस्ट वेस्टर्न कल्चर्स आज भी ये सारी चीज़ें जो कि लैटिन ट्रांसलेशन लैटिनी ज़ुबान में तर्जमा की गई ग्रीक ड्रामेटिकल टर्म्स थी ये सारी की सारी तो ये ग्रीक से लैटिन में आई आज भी जो वेस्टर्न कल्चर्स और इंग्लिश और दूसरी ज़ुबान है वहाँ पर यह सारी की सारी चीज़ें आज भी बोली और पढ़ी जा रही हैं एनशन इंडियन लैंग्विस्टिक्स कदीम हिंदुस्तानी माहरीन लसानियात या उस वक्त की जो ज़ुबान की पेशरफ थी इन एनशेंट इंडिया कदीम हिंदुस्तान में संस्कृत स्कॉलर्स एक्सेल्ड इन फोनेटिक एंड एस फोनोलॉजिकल थीरी एंड इन एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामेटिकल एनालिसिस तो कदीम जो हिंदुस्तान था उसमें जो संस्कृत के स्कॉलर्स थे वो सबकत ले चुके हुए थे फोनेटिक और फोनोलॉजिकल थीरी में यानी कि जो साउंडस के हवाले से सौतियात के हवाले से ज़बान के साथ जो सौतियात का ताल्लुक है और सिस्टम ऑफ सिग्निफिकेंट साउंड्स और ख़ास किस्म की साउंड्स का जो सिस्टम था उसमें ये बहुत ज़्यादा सबकत ले चुके हुए थे एंड इन एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामेटिकल एनालिसिस और ग्रामर के लिहाज से जो तजियात थे और मुख्तलिफ़ पहलुओं पर वो फोकियत हासिल कर चुके हुए थे दूसरी जुबानों पर एट द टाइम देयर वर्क वाज मच मोर साइंटिफिक और उस वक्त उनका काम बहुत ज़्यादा साइंसी अंदाज में था दैट इज़ इट एग्जिबिटेड द मैथड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमाइज्ड नॉलेज इनका जो काम था इसमें असूलोत पर और एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज एक सिस्टम के तहत जैसे इलम होता है उसके मुताबक वो जो खसूसियात थी उनको दिखाता था दैन एनी थिंग कांड इन यूरोप और उस वक्त यूरोप के अंदर जो लैंग्वेज की तरक्की थी उसके मुकाबले में ये कई गुना ज़्यादा बेहतर था बट लिटल इज़ ना ऑफ दी औरिजन एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एंशंट इंडियन लिंग्विस्टिक्स लेकिन कदीम जो लिंग्विस्टिक्स हैं लिसानियात का जो इलम है इसकी डेवलपमेंट के हवाले से इसके फ़रो के हवाले से इसकी तरक्की के हवाले से और इसके औरिजन या इसके माहज़ के हवाले से बहुत कम दुनिया को इलम है या इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ग्रीक लिंग्विस्टिक्स ी लसानियात इन कंट्रास्ट इसके बरक्स देर इज़ ए कॉन्टीनटी ऑफ डेवलपमेंट फ्राम एशंट ग्रीक बिगनिंगस टू द्रेजेंट डे कदीम यूनानी आगाज से लेके आज के दिन तक एक तसलसल आता है लैंग्वेज के अंदर ग्रीक लिंग्विस्टिक्स पास टू रोम जो कदीम ग्रीक लसानियात थी यूनानी लसानियात थी इसका इलम रोम तक पहुँचा रोमज लेट लैटिन ग्रामारियस रोम के जो बाद के लाती ज़ुबान के ग्रामर के एक्सपर्ट थे हुटडीड लेटन्स क्लासिसफ़ वर्ड्स जिन्होंने लाती ज़ुबान के अल्फाज के मुख्तु दर्जों को पढ़ा हुआ था देर इन्फ्लेक्शनस ज़ुबान के अंदर जो मुख्तु मोड आते हैं उनको पढ़ा हुआ था एंड देर फंक्शनस उनके मुख्तफ़ फंक्शन एंड रिलेशन इन देंटेंस और फ़िकरात के अंदर जो उनके रिलेशनस थे इंस्पायर्ड मेडिवियल स्कॉलर्स तो उन्होंने वस्ता सोलहवीं या सतरवीं सदी के जो स्कॉलर्स थे उनको इंस्पायर किया हूज वर्क वाज री इंटरप्रेटेड बाय रेनाइजेंस ग्रा, ग्रामारियंस और फिर जो मेडिवियल स्कॉलर्स थे उनके कामों को दोबारा से जो रेनाइजेंस ग्राम, ग्रामारियन थे अहियाए नो का ज़माना जो सोलहवीं सदी सतरवीं सदी के बाद आता है उस वक्त के जो ग्रामारियंस थे उन तक पहुँचा तो ये एक तसलसल है कि ग्रीक से रोम तक फिर ए, जो लैटिन ग्रामारियन थे आ, उनका काम आगे पहुंचता है मेडिवियल स्कॉलर्स तक मेडिवियल स्कॉलर्स थे का जो जमाना है वहाँ तक ये काम पहुँचता है दीज दैन प्रोवाइडेड द इनिशियल फ़ाउंडेशन फॉर द मॉडर्न साइंस ऑफ लैंग्वेज और ये इसी लोग के लोग हैं जिन्होंने इनिशियल फाउंडेशन यानी कि बुनियाद रखी मॉडर्न साइंस ऑफ लैंग्वेज की दैट फाइनली एमर्ज इन दाइनटीन सेंचुरी और ये जो मॉडर्न साइंस ऑफ लैंग्वेज थी ये 19वीं सदी में इसका जहूर हुआ 19वीं सदी में सामने आई तो ये जो बैक पे मुख्तफ़ किस्म के अदवार गुजरे हैं उस आ, काम के नतीजे में और एक कंटीन्यूटी के नतीजे में मौजूदा लैंग्वेज ने जन्म लिया कंसस्टेंट फ्लो इन यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स यूरोपी जबानों के अंदर मुसलसल बहाव देर इज़ ए कंसिस्टेंट फ्लो इन यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स सिंस दी अर्लीस्ट ग्रीक स्पेकुलेशंस आन दिस सब्जेक्ट्स कदीम ज़माने में जो यूनानी स्पेक्यूलेशन यु, थी यूनानी पेशन गोईयाँ थीं इस सब्जेक्ट के हवाले से लिंग्विस्टिक के हवाले से वहाँ से लेके अब तक जो यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स हैं इन इनके अंदर एक जो जो ज़ुबान है उसमें कंसिस्टेंट फ्लो रहा है ईच जनरेशन हैज़ एन्जॉयड नॉलेज हर जनरेशन ने हर नसल ने उस वक्त के इलम से उस वक़्त की ज़ुबान से लुफ़ लिया एंड हैज़ प्रॉफिट फ्राम इससे फ़ायदा हासिल किया द वर्क ऑफ़ इनसाइटफुल एंटीसीडेंट्स और उनसे पहले के बसीरत रखने वाले इनसाइटिफुल जो लोग थे एनटीसीडेंट कदीम लोग थे उनके काम से फ़ायदा भी उठाया और अपने अपने वक्त में जो जो लैंग्वेज उस वक़्त के मुताबिक मौजूद थी लोगों ने उससे लुत्फ़ भी उठाया For दिस रीज़न द हिस्ट्री ऑफ़ यूरोपियन linguistics कैन embody the history of ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन जनरल तो इस वजह से द हिस्ट्री ऑफ़ यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स यूरोपियन लिंग्विस्टिक की जो हस्ट्री है कैन एम बॉडी हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक जनरल इसको आम Uh, जो आम जुबान में जो हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाता है तो यूरोपियन लिंग्विस्टिक की हिस्ट्री और आम हिस्ट्री एक ही चीज़ के दो नाम हैं वर्ड्स अर्लीस्ट नॉन लिंग्विस्टिक स्टडीज़ दुनिया की कदीम तरीन जो सबसे पहली जो लिंग्विस्टिक स्टडीज़ हैं उनके बारे में क्या जानकारी है क्या इलम है द वर्ड्स अर्लीस्ट नॉन लिंग्विस्टिक स्टडीज़ वर प्रोड्यूस इन इंडिया बिटवीन अराउंड एट हंड्रेड एंड वन फिफ्टी बी सी तो दुनिया की जो Uh, कदीम तरीन या सबसे पहली लिंग्विस्टिक स्टडीज़ हमें नज़र आती हैं वो हिंदुस्तान में 800 सौ कबल मसीह से 150 सौ पचास कबल मसीह के दौरान इन एन टू प्रिजर्व दी औरल लिटरेचर ऑफ इंडियाज़ मच अर्यर वैडिक पीरियड और ये कोशिश की गई थी महफूज करने की औरल लिटरेचर को यानी जो ज़बानी लिटरेचर था हिंदुस्तान का और ये काम हुआ वैडिक पीरियड में जिस दौर में ए, इनकी जो मुक़दस किताब वेद है या वदा है वो लिखी गई इसको वैडिक पीरियड कहते हैं तो इस दौरान वो जो मजहबी आलूम थे उनको प्रिजर्व करने के लिए महफूज करने के लिए जो लैंग्वेज थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ और यह दुनिया की पहली ए, ए, लिंग्विस्टिक स्टडी इसको कहा जाता है एज़ इन द वेस्ट इंडियन स्कॉलर्स हैव मेंटेन लिंग्विस्टिक कंटिन्यूटी अप टू द प्रेजेंट डे तो वेस्ट की तरह हिंदुस्तान ने भी आज के दिन तक अपनी जो लिंग्विस्टिक कंटिन्यूटी थी, थी जुबान के अंदर जुबान को बरकरार करने का जो तसलसल था तो हिंदुस्तानियों ने भी इसको कायम रखा इंडियन फोनेटिक्स एंड वेरियस ग्रामेटिकल टॉपिक्स इंक्लूडिंग प्रोफाउंड ट्रिटाइजिज ऑन फोनोलॉजी एंड अप टू सीमेटिक्स सेंचुरी सरपास एनी थिंग वेस्ट हैड अचीव तो इंडियन फोनेटिक्स सऊतियात का इलम एंड वेरियस ग्रामेटिकल टॉपिक्स मुखलिफ़ ग्रामर के मौजुआत का इलम इनकलूडिंग प्रोफाउ ट्रिटाइज और उनकी ए, इंतहाई कदीम किस्म की तहरीरें आन फोनोलॉजी सऊतियात पर एंड सीमेंटिक्स और लफ्ज़ों के मानी पर अप टू दी नाइनटीन सेंचुरी सरपास्ड एनी थिंग द वेस्ट हैड अचीव्ड तो उन्नीसवीं सदी तक ये सबकत ले आ, ले गई थी मगरब के मुकाबले मगरब ने जो कुछ भी हासिल किया था उस पर इन तमाम शोबों में सऊतियात में मानी में ग्रामर के टॉपिक्स पर और फोनेटिक्स पर आ, जो इंडियन लैंग्वेज थी इसको सबकत हासिल थी इंडियन लिंग्विस्टिक लिंग्विस्ट Predicated their studies on the अब्जर्ड फैनिनन of language change over time. तो इंडियन लैंग्वेज जैसे माहर लसानिया थे predicated their studies, वो अपनी studies के ऊपर पेशन गोई करते थे आन दीजर्ड of language change over time के वक्त के साथ साथ जो लैंग्वेज है उसके उसमें तब्दीली आएगी तो ये उनकी पेशन गोई थी Unlike ancient Greek ग्रींक लिंग्विस्टिक्स कदीम जो यूनानी माहर लसानिया थे उनके मुकाबले में उनके बरक्स इंडियन ट्रेडिशन अपियर आर आर डी फुली जो हिंदुस्तानी रवायत थी ज़ुबान की रवायत थी ये ज़्यादा मेच्योर ज़्यादा बालग थी द एक्सक्सिट कल्बीनेशन आफे प्रोट्रैक्ट बट अन रिकॉर्ड थ्योरेटिकल डिवेलपमेंट प्रोट्रैक्ट तवील अन रिकॉर्ड जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है थ्योरेटिकल डिवेलपमेंट नज़रियाती तरक्की का जो एक शानदार अख्ताम था तो हिंदुस्तानी रवायत जो थी ये ज़्यादा मचोर और ज़्यादा बालग थी द फर्स्ट ग्रेट वर्क ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक्स हिंदुस्तानी लिसानियात का जो सबसे बड़ा काम है जो सबसे बड़ा और पहला काम द फर्स्ट ग्रेट वर्क ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक्स वॉज पादीनिस और दिया बुक्स तो जो पहला जो ग्रेट वर्क है लिंग्विस्टिक्स का लिसानियत का वो है एट बुक्स आठ किताबें ऑफ संस्कृत ग्रामर संस्कृत ग्रामर की द अर्लीस्ट साइंटिफिक वर्क आन एनी सब्जेक्ट इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज किसी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में किसी एक मौजू पर जो जो सबसे पहला साइंसी काम है वो यही किताब है पानीज अस्थाध्याय या एट बुक्स जो कि संस्कृत जबान में ग्रामर पर लिखी गई रिटर्न और ओरली ट्रांसमेटेड समटाइम सिक्स हंड्रेड थ्री हंड्रेड बी सी ये लिखाई की शक्ल में भी थी और ज़बानी तौर पे भी इसको ट्रांसमिट किया गया आगे की नस्लों को दिया गया 600 से 300 सौ कबल मसीह के दौरान मैय अगेंस्ट लिट्रेरी इन्वेस्टिगेशन एंड फिलासफिकल स्पेक, स्पेकुलेशन इंडियाज़ अर्ली लिंग्वेस्ट अराइव एट दॉजेंट इन साइड दैट लैंग्वेज रिलेशन टू फॉर्म एंड मीनिंग ओज मोर टू आर्बिट्रेरी कन्वेंशन दैन ने लिटरेरी इन्वेस्टिगेशन अदबी जो इन्वेस्टिगेशन होती है जो आ, आ, इसके अंदर रिसर्च होती है एंड फ़िलासफ़िकल स्पेकुलेशन और फ़लसफे के लिहाज से पेशन गोई इंडिया अर्ली लिंग्विस्ट लिंग्विस्ट जो हिंदुस्तान के कदीम माहर लसानिया थे अरयड ऐट दी कोजेंट इनसाइट वो एक शानदार बसिरत हासिल कर चुके थे दैट लैंग्वेज इज़ रिलेशन टू फॉर्म के लैंग्वेज का उसकी शक्ल के साथ जो ताल्लुक़ है एंड मीनिंग और उसके मतलब के साथ ज़ुबान का अपने अलफा की शक्ल और उनके मसालब के साथ ताल्लुक ओ मोर टू आर्बिट्रेरी कन्वेन्शन ये मरहूने मिन्नत है ज़्यादातर जो सवाब दीदी रवायत है पासिंग अलॉगसाइटिस कस्टम यानी जो नसल दर नसल अलफ नसल दर नसल अगली नसल को मुंतकिल होते जा रहे हैं तो इसकी मरहूने मिन्नत है लैंग्वेज के अल्फ़ उनकी शक्ल और उनके मानी अगर नस्ल तल नसल नसल दर नसल आगे देने की रवायत मौजूद ना होती तो चूँकि ये जीनियाती तौर तो पर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को मुंतकल नहीं करती बल्कि माँ बाप से बच्चे सुन के फिर आगे अपने बच्चों को मुंतकल करते हैं तो ये मरहून मिन्नत है उस आर्बिट्रेरी कन्वेंशन की उस रवायत की कि उसकी वजह से जो लैंग्वेज के वर्ड और उनकी फॉर्म उनके मानी हैं वो अगली नस्ल तक पहुँचे दैन नेचुरल फॉर्म नेचुरल फॉर्म के मुकाबले में एंड मीनिंग्स ओ मोर टू ममिजिज कॉपीज़ कॉपिंग साउंड नेचर साउंडस यानी जो नस्लें हैं वो साउंडस को कॉपी करती हैं तो इसके मुकाबले में जो आर्बिट्रेरी कन्वेंशन है कि नस्ल दर नस्ल जुबान मुंतकिल हो रही है तो जुबान के अल्फ़ाज़ और ज़बान के जो मानी हैं वो सब इस आर्बिट्रेरी इन्वेंशन के कन्वेंशन के मरहने मिलते हैं दे आर सीमेंटिक स्टडी आलरेडी वर्ड मीनिंग एज़ ऑबजरवेशनल क्रिएशन दे आर सीमेटिक स्टडी उन्होंने जो अल्फाज के मानी के ऊपर जो स्टडी की थी ऑलरेडी व्यूड वो पहले से देख चुके थे वर्ड मीनिंग अल्फाज और मानी को एज आप क्रिएशन कि ये मुशाहदे के लिहाज से तहलीकत हैं एज़ वेल एज़ इन्हरीटेंस और इसी तरह से जो इन्हेरीटेंस है इंडिया फ़र्स्ट लिंग्विस्टिक टुक द रिमार्केबली मॉडर्न व्यू दैट एन्टायर सेंटेंस कुड कम्प्राइज आटोनॉमस लिंग्वस्टिक यूनिट्स तो इंडिया के जो पहले लिंग्विस्ट थे वो आ, बड़े यादगार तौर पर जदीद व्यू उस ज़माने में उन्होंने पेश कर दिया था दैट एटायर सेंटेंसज के पूरे के पूरे जो फ़िकरत होते हैं किसी ज़ुबान के कुड कम्प्राइज ये मुश्तिल होते हैं ऑटोनॉमस लिंग्वस्टिक यूनिट्स तो ये ज़बान के छोटे छोटे यूनिट्स पर मुश्तम होते हैं तो ये बात उन्होंने आ, कदीम ज़माने में कह दी वेस्टर्न लिंग्विस्ट जो मगर भी लिसानियात के माहिर हैं लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी वर्ल्ड एज ए लैंग्वेज एलिमेंट्री पार्टिकल वह अर्सा यही कहते रहे कि जो वर्ड होता है ये एलिमेंट्री पार्टिकल होता है फ़र्स्ट अचीव दिस इन साइट इन दिन ट्वेंटी सेंचुरी और उन्होंने ये जो बसीरत थी बीसवीं सदी में हासिल की और यही बात बात जो हिंदुस्तानी थे कि जो फ़िक्रे होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते बल्कि इनके जो पार्ट्स यानी वर्ड्स होते हैं वो इसके बेसिक यूनिट होते हैं तो ये बात बहुत अरसा पहले इंडियन लिंग्विस्ट कह चुके थे द एज ओल्ड क्वेश्चन ऑफ़ लैंग्वेज फार्म वर्सेज सबस्तानस कदीम ज़माने से एक सवाल जो हमेशा uh, लिया जाता रहा लैंग्वेज के हवाले से लैंग्वेज की फार्म और uh, मुकाबला तन लैंग्वेज का या लैंग्वेज का जो मटेरियल होता है दैट इज़ एक्चुअल अटरेंस यानी असल जो आ, अल्फाज होते हैं जो मुँह से निकलते हैं एज अ पोज टू दिन सिस्टम ऑफ़ फीचर्स और उसके मुकाबले में जो इन्हीट सिस्टम होता है फीचर्स का कैटेगरीज का एंड रूल्स हैडारा डी बिन एंटिस बाई इंडियाज अर्लीस्ट संस्कृत स्कॉलर्स तो आ, जो मुँह से निकलने वाले अल्फ फिर उसके बाद जो वरासती तौर पर जो फ़ीचर्स इंसान को मुंतकिल होते हैं माँ बाप से फिर मुख्तफ़ कैटेगरीज वर्ड्स की मुख्तु रूल्स तो इन सब के ऊपर जो था हिंदुस्तान के जो इंडिया के कदीम संस्कृत के स्कॉलर्स थे पहले ही इसके ऊपर वर्क कर चुके थे हु डेवलप्ड द दिरी ऑफ द धावनी स्फॉट रिलेशनशिप उन्होंने धावनी स्फॉट रिलेशनशिप किया का नजरिया पेश किया धावनी स्फॉट रिलेशनशिप अट्रेंस वाज दी धावनी अट्रेंस यानी मुंह से निकलने वाले अल्फाज जो थे उनको वो धावनी कहते थे परमानेंट लिंग्विस्टिक सबस्टांस अन हटड वाज दॉट और जो, जो अल्फ नहीं किए जाते थे उनको स्फॉट कहते थे द धावनी दू फ्राम द स्पॉट तो जो धावनी यानी कि अल्फाज थे ये जो स्फॉट, जो कि अल्फाज नहीं थे उनमें से निकले एज़ वन ड्रॉज वाटर फ्राम ए वेल जैसे कोई शख्स पानी निकालता है कुएँ से तो जो स्पाट था ये कुआँ था और धावनी अल्फाज जो थे ये अल्फाज थे डिस्क्रिप्शन इन फोनीटिक्स आर एडी बाई वन फिफ्टी बी सी इंडियस इन टू फोनोजिकल स्ट्रक्चर्स प्रोसेस ऑफ़ आर्टिकुलेशन, द एक्ट ऑफ मैनर ऑफ़ गिविंग अट्रेंस कॉन्सोनेट एंड वॉवल सेगमेंट एंड सेगमेंटल तो फोनीटिक सौतियात जो है इसमें भी एक सौ पचास कबल मसी में हिंदुस्तानी लिंग्विस्ट जो थे ये फोनीटिक डिस्क्रिप्शन को सौतियाती बयान को फ़ोनोलॉजिकल uh, स्ट्रक्चर सौतियाती साख्तों में बयान कर चुके थे कि इसकी मुख्त साख्तें होती हैं इसके मुख्तफ शक्लें होती हैं सौतियात की विद प्रिस प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन और ज़बानों बयान के जो मुख्तलिफ और जामे प्रोसेस हैं अमल हैं उनका ये बयान कर चुके थे कॉन्सोनेट क्या होते हैं वॉबल सेगमेंट्स क्या होते हैं सेगमेंटेशनल सिंथिस ज़बान के मुख्तों का तजिया वो कर चुके थे फ्राम दिस It is evident that ancient Indian scholars intuited fully the principles of phonemics. Western scholars were able to describe it adequately only in 20th century. तो ये बात बड़ी वाजह है क्योंकि जो कदीम हिंदुस्तानी स्कॉलर्स थे वो बहुत पहले सौतियात के लिहाज से ज़ुबान को बयान कर चुके थे और जो मगरबी स्कॉलर हैं ये बहुत देर बाद 20वीं सदी में जाके वो यहाँ तक पहुँचे बेस्ट नोन फॉर their ग्रामाटिकल एनालिसिस जो इंडियन लैंग्वेज थे ये ग्रामेटिकल जो तज़िया था ग्रामर के तजिए के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे इंडियाज़ लिंग्विस्ट आर परहैप्स बेस्ट नोन फॉर द ग्रामेटिकल ऑफ़ संस्कृत संस्कृत ज़बान की जो ग्रामेटिकल एनालिसिस था उसके हवाले से भी जो हिंदुस्ती माहिर लसानियात हैं ये बड़े मकबूल थे बड़े मशहूर थे इस्पेली पनिनीज़ इस्तादाया जो ये इसका पहले भी जिक्र हो चुका है ये संस्कृत की किताब है तो उसमें दो दी वर्क फेल्स टू फुली कम्प्रीह वट वन टू डे अंडरस्टेंड्स अंडर ग्रामर अगरचे ये जो काम है ये पूरी तरह से समझ में नहीं आता ग्रामर के हवाले से जैसे आज की ग्रामर को हम कहते हैं वर्ड फार्मेशन रूल्स अल्फाज बनाने के असूल अप्लाइड इन स्ट्रिक्ट सेट इन एफोरिस्टिक थ्रेड्स तो लफज बनाने के जो असूल है ना वो एफोरिस्टिक थ्रेड्स एफोरिस्टिक थ्रेड आपको आप कह सकते हैं अकवाल जरिए कह सकते हैं या फिर हकीमाना बातें कह सकते हैं इनको ये सूत्रा कहते थे सूत्रा। तो सूत्रास की शक्ल में वो संस्कृत में अकवाल की शक्ल में वर्ड फार्मेशन के तरीके बताए गए हैं टेक प्रेसिडेंस इन कंट्रास्ट और ये फ़ोकियत ले जाते हैं यानी दूसरी ज़बानों के बदले में कि बहुत पहले ये सूत्रा की शक्ल में या अकवाले ज़रिए की शक्ल में लफ्सों की फार्मेशन के असूल बताए गए संस्कृत फोनीटिक एंड ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन इज़ आलमोस्ट होली अज्यूम्ड संस्कृत के, के, की जो फोनेटिक ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन है ये मुकम्मल अज्यूम्ड या फर्जी है पानीज ग्रामर नॉट ओनली फाउंडेड इंडियन लिंग्विस्टिक बट आल्सो समी थ्री हंड्रेड जीयर्स लेटर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द क्रिएशन ऑफ़ दो यूरोपियन कम्पेरेटिव एंड हिस्टोरिकल लैंग्वेज स्टडीज़ विच को आ थर्ड द मॉडर्न साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स तो पनीनी की जो पानीनी ग्रामर है जो संस्कृत की लिखी गई कबल मसी में तो इसने ना सिर्फ इंडियन लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद रखी बल्कि तेईसौ साल बाद अपने जन्म के तेईसो साल बाद जो यूरोपियन लैंग्वेजेस थी और उस जमाने की तेईसौ साल बाद की जो लैंग्वेजेस थी उनमें भी अपना हिस्सा डाला और उन जबानों के मॉडर्न साइंस को बनाने में भी तेईस साल पहले ही अपना हिस्सा इंडियन लिंग्विस्टिक्स ने डाल दिया द रोमस ड्यूरिंग द थर्ड एंड सेकेंड सेंचुरीज बी सी दूसरी और तीसरी सदी आ, कबल मसीह में ग्रीस ग्रेजुअली जील्ड टू रोम सुपर जो यूनानी थे इन्होंने रोम की जो सुपर थी उसके आगे हथियार डाल दिए रोम की बर्तरी के आगे हथियार डाल दिए यूनानियों ने आयरनिकली यह बड़े सितम की बात है विद रोम्स कंप्लीट टेक ओवर ऑफ द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड के रोम ने यूनानी जबान के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया बाई द फर्स्ट सेंचुरी एडी पहली सदी ईस्वी में द ग्रीक लैंग्वेज डिड नॉट बो टू लेटन जो यूनानी जुबान थी यह लतीनी के आगे झुकी नहीं बट लैटिन कैपीचुलेटेड टू ग्रीक बल्कि लतीनी जुबान ने यूनानी जुबान को कैदी बना लिया ग्रीक लिटरेचर कम्प्राइज एजुकेटेड रोम्ज़ मॉडल एंड ग्रीक लैंग्वेज वाज वाजी लैंग्वेज ऑफ कचर इट्सन ग्रीक लिटरेचर जो था यूनानी जो लिटरेचर था अदब था कम्प्राइज वो मुश्तमिल था एजुकेटेड रोम्ज़ मॉडल रोम का जो मॉडल था उसके ऊपर मुश्तमल था एंड ग्रीक लैंग्वेज वॉज ई लैंग्वेज ऑफ कल्चर इट सेल्फ और जो यूनानी जबान है ये खुद सकाफ़त की जबान थी जस्ट एज डैटिन वज टू बिकम फॉर दी यूरोपियन मिडिल मिलीनियम लीटर जैसे कि एक हज़ार साल बाद यूरोप की जबान जो थी मिडल एजेज में करोने वस्ती में लातीनी जुबान उसकी जगह लेने वाली थी एज इन अदर इंटलेक्चुअल एज इन अदर इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक डोमेन्स अगर uh, दूसरे इंटेक्चुअल uh, तलीमी और आर्टिस्टिक और फन के लिहाज से जो दूसरी डोमेन्स हैं दूसरे शोबेन को देखा जाए रोमन लिंग्विस्टिक्स लिंग्स्टिक्स वाजी एक्सटेंशन ऑफ ग्रीक लिंग्विस्टिक्स तो जो रोमन लिंग्विस्टिक थी ये ग्रीक लिंग्विस्टिक की एक एक्सटेंशन थी यानी ग्रीक लिंग्विस्टिक से रोमन लिंग्विस्टिक निकली देर वाज नो क्लियर सेपरेशन ऑफ थाट बिटवीन ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज थीरीज़ लातीनी ज़ुबान के नज़रियात में और यूनानी जुबान के नजरियात में कोई ज़्यादा वाज अलहदगी नज़र नहीं आती बट एक कंटिन्यूशन ऑफ़ द सेम डायनामिक पैरामीटर्स अ प्रोसेस फॉस्टर्ड इन पार्ट बाई दैलेटिव सिमिलरिटी ऑफ द टू इंडो यूरोपियन लैंगवेज बट एक कंटिन्यूशन लेकिन एक तसलसल था ऑफ द सेम डामिक पैरामीटर्स एक जैसे मुतहरक पैरामीटर में अ प्रॉसेस फॉस्टर्ड और ये जो अमल था इसने फरोग पाया इन पार्ट बाई दिलरिटी जो एक दूसरे से मुतल मुशाबहत थी उसके साथ अब द टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज़ दोनों इंडो यूरोपियन लैंगवेज़ में वारो वन वन सिक्स टू ट्वेंटी सेवन बी सी वारो ये एक माहर लिसानिया था एक सौ सोलह से सताईस बी सी के दरमियान ये दुनिया में रहा द प्रोलिफिक पोली ज़हीन बहुत सारे अलूम का माह वारो इज़ द फर्स्ट क्रिटिकल लैटिन आथर ये पहला लातीनी का नकाद लिखारी है आथर है मुसनफ है टू ट्रीट लिंग्विस्टिक्स जिसने लैंग्वेज के साथ जो था ना वो ट्रीट किया यानी उसको पढ़ा और उसके बारे में तहकीक की हूज़ राइटिंग्स हैज़ सरवाइवड और ये ऐसा शख्स है जिसकी राइटिंग्स जिसकी तसनीफ़ा आज भी मौजूद हैं आज भी जिंदा हैं He discusses lengthily the anomaly, analogy, controversy in linguistics, but also provides original insights, not mere imitation of Greek mentors. तो so, he discusses वो बहस करता है lengthily बड़ी तस्वीर के साथ the anomaly, बेजापतगियों पर, analogy, मुशाबहत पर, controversy. तनाज़ात पर इन लिंग्वस्टिक लिंग्वस्टिक जो लसानियात में जो बेज़तगियाँ थी जो मुख्तु ज़बानों में मुशाबहत थी जो मुख्तु जबानों में मुतनाजा बातें थीं उनके ऊपर इसने तफस के साथ डिस्कस किया बट आल्सो प्रोवाइड्स औरिजनल इंसाइट्स इसने जो हकीकी बसरत थी वो मुहैया की नाट मेर इमिटेशन ऑफ ग्रीक मैटर्स उसने ना ये नहीं किया कि जो ग्रीक मैटर्स थे जो उसके जूनानी उसाद थे कि उसकी उसने नकल की और नकल करके लिख दिया इन टू दैचर फ़ितरत में एंड अर्लीस स्टेज़ ऑफ़ दैटिन लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज की जो अर्ली स्टेज़ज थी और उसकी जो नेचर थी उसके हवाले से उसने लिखा वारोज़ वर्क डिवाइड टू एटीमोलोजी मारफालोजी एंड सिंटेक्स वारो ने जो काम किया उसकी तीन कैटेगरीज़ हैं सबसे पहले एटीमोलोजी यानी जो अल्फाज हैं उसकी तारीख मारफालोजी उनकी शक्लो सूरत एंड सिंटेक्स और उनकी ग्रामर तो अल्फाज की तारीख उनकी शक्लो सूरत और उनकी ग्रामर के ऊपर उसने लिखा ही uh, uh, उस, uh, तीन हिस्सों में उसने तकसीम किया इसको लैंग्वेज को ही डिस्टिंग बिटवीन डिराइव एंड इनफ्लैक्शनल फार्मेशन ऑफ वर्ड्स उसने फ़र्क बयान किया डिराइव्ड वर्ड्स वो अल्फ़ाज मुख्तलिफाज से अहज़ किए गए हैं एंड इनफ्लैक्शनल फार्मेसन या लफ्सों के अंदर जो ती तौर पर मोड़ आया इन दोनों को उसने बयान किया फाइंडिंग द लेटर इन नेचुरल वेरिएशन उसने कहा जो लफ्सों से लफ्स निकलते हैं ये नेचुरल वेरिएशन है ये कुदरती तब्दीली आती है और जो इन्फ्लेक्शनल फार्मेशन है उसको उसने कहा बट द फार्मर एंड अन नेचुरल एंड मोड रेस्ट्रिक्टेड वन दूसरी जो है वो गैर फित्री है हिज मार्फालोजिकल क्लासीफिकेशन ऑफ लैटिन वर्ड्स वर्ज आल्सो हाई ओरिजिनल उसने जो लैटिन वर्ड्स की मारफालोजिकल दर्जाबंदी की वो भी इंतहाई ओरिजिनल है अनलाइक द ग्रीक्स वारो डिड नाट सिंपली ऑर्गेनाइज and एंड टेंज लेटन्स and ग्रीकस मेन कैटेगरीज एंड इस्टेबलिश द फोर क्लासेस ग्रीक्स के मुकाबले में उनके बरक्स वारो ने बिल्कुल सिंपल अंदाज़ में केस और टेंस के लिहाज से ज़ुबान को बयान नहीं ग्रीक uh, जैसे लेटन्स और ग्रीक ने केस और टेंस के लिहाज से ज़माने के लिहाज से और केस के लिहाज से बयान किया था उसने लैंग्वेज को चार हिस्सों में तकसीम किया है अकॉर्डिंग टू दे दे इन्फ्लेक्ट जिस तरह से ये इन्फ्लैक्ट करते हैं मोड़ लेते हैं यानि नॉन्स और फिर वर्ब्स टेंस इन्फ्लेक्शन यानि कि टेंसिस के अंदर ज़माने के अंदर जो इन्फ्लेक्शन आती तब्दीली आती है पार्टिसिपल्स पार्टीसिपल्स में केस में और टेंस में तब्दीली एड वर्ब्स में ही करेक्टर स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच उसने हर एक के जो महसूस फंक्शन से काम थे उनकी खसूसियात बयान की नाउनस नेम्ड थिंग्स नाउन से मराद चीज़ों के नाम वर्ब्स मेड स्टेटमेंट्स वर्ब्स को उसने कहा कि ये स्टेटमेंट देने के लिए पार्टिसिपल्स जॉइड एलिमेंट्स पार्टिसिपल जो हैं ये मुख्तफ एलिमेंट्स को आपस में जॉइन करते हैं एंड एडवर्ब्स और एडवर्ब्स इन सब की मदद करते हैं द अरब वर्ल्ड अरब दुनिया द अरब वर्ल्ड डिवेल्प्ड इट्स ओन यूनिक अप्रोच टू लैंग्वेज, अरब दुनिया जो थी इसकी ज़ुबान के हवाले से अपनी मुनफरद अप्रोच थी एंड सो एवॉड लैटिन ग्रामरियंस होल सेल अडाप्टे ऑफ ग्रीक प्रोटोटाइप्स और इन्होंने जो लातनी ग्रामर के माहरीन थे उन्होंने जो होल सेल अडोप्टेन की थी यानी पूरी तरह से ग्रीक प्रोटोटाइप को या ग्रीक जो आ, कदीम नक्शे थे क, कदीम वर्ड्स थे उनको पूरी तरह से अपना लिया था तो अरबों ने ऐसा नहीं किया द नान अरब परशियन सिबावे ऑफ़ बसरा राइटिंग इन देंचुरी ए डी कंसोलीडेटेड ऑल अरबिक लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन हिज ग्रामेटिकल ट्रीटाइज तो नान अरब इन अरबों से हट के जो पर्शियन थे बसरा के आ, आ, एट सेंचुरी ए डी में उन उन्होंने जो तहरीरें कि तो उन्होंने पूरी तरह से अरब लैंग्वेज की जो हदायत थी ग्रामर के लिहाज से उनको अपनी तसानीफ में शामिल किया अल किताब ये किताब लिखी स्ट्राइकिंग आउट फ्राम ए फर्म फाउंडेशन ऑफ़ प्रिस लिंग्विस्टिक स्टडीज़ सिबावे डिफाइंड एज इट इज़ नॉन टूडे तो जो सिबावे यानी पर्शियन लैंग्वेज के हवाले से जिन्होंने लिखा इन्होंने जो क्लासिकल अरेबिक जो कि आज जानी जाती है तो इसको उन्होंने पर्शियन के अंदर यूज़ किया और उसके मुताबिक अपनी जो तहरीरें थी उनको अपनाया चाइना दो तो दि फर्स्ट चाइनीज़ लैंग्वेजनरी वॉज कम्पायल्ड एजरलीवन हंड्रेड आज नाइन हंड्रेड बी सी अगरचे जो पहली चाइनीज़ लैंग्वेज की डिक्शनरी थी लगत थी ये 1100 से 900 कबल मसीह पहले ही बन चुकी थी येड चाइनीज़ प्री ऑकुपेशन विद लैंग्वेज एनालिसिस सेंटर्ड ऑन द मोस्ट फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पोकन वर्ड थ्रू सलेबोफोनीटिक ग्लिफ्स तमाम जो चाइनीज़ प्री ऑक्योपेशन विद लैंग्वेज एनालिसिस सेंटर्ड ऑन द मोस्ट फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पोकन वर्ड तो लेकिन इनका जो ज्यादा इन था वो स्पोकन वर्ड में था जो कि सलेबोफोनीटिक गलिफ्स की शक्ल में था द इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत लिंग्विस्ट इज़ एविडेंट इन द प्री ऑर्डरिंग ऑफ द टेबल्स तो इनकी ज़बान के ऊपर भी जो संस्कृत की जबान थी उसका वाज तौर पर असर मौजूद था खास तौर पर राम टेबल्स नज़मिया नज़में वगैरह उनमें इनिशियल सलेबल्स, अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेशन एंड अदर क्राटस्टिक्स ज़बान व बयान के हवाले से तो दूसरी खसूसियात में जो संस्कृत लिंग्विस्ट का असर है वो भी नज़र आता है लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगे ड्यूरिंग दैटन मिडल एजिज इस करेक्टराइज प्रिंसिपली बाई इट्स और चर्च बेस्ड इट रिमेन पैडियोलॉजिकल लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग मिडिलजेस मिडिलजिज में लातिनी जबान में जो लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेशन हुई इस करेक्टराइज प्रिंसिपली बाईट ओरिएंटेशन। तो ये अपनी सिमत के लिहाज से जो ना इसकी खसूसियात हैं चर्च बेस्ड इसमें मजहबी अंसर बहुत ज़्यादा था चर्च बेस थी इट रिमेंट पैडियोलॉजिकल और इसके अंदर इलमियत काफ़ी ज़्यादा थी यानी आम जबान के मुकाबले में इलम के लिहाज से और मजहब के लिहाज से इसके ऊपर छाप थी बिकॉज स्पोकन एंड सर्वाइवड रोमैस एज ई लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन इन ऑल वेस्टर्न कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ लोकल टंग तो जो टंगज स्पोकन एंड लैटिन जो थी uh, जो बोली जाने वाली लातनी ज़बान और लिखी जाने वाली लातनी सर्वाइव्ड रोम्स कोलेप्स तो रोम के कोलैप्स के बावजूद ये बच गई एज ई लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन इन ऑल वेस्टर्न कंट्रीज़ तमाम मरगी मगरबी ममालिक में ये लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन थी रिगार्डलेस ऑफ लोकल टंग बजाय इसके कि यह किसी मुल्क की लोकल टंग थी या नहीं थी आ, मकामी ज़बान थी या नहीं थी लेकिन ये रोमन कोलेब्स के बाद भी रोमी तहजीब के ख़त्म होने के बाद भी ये बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ का एजुकेशन आ, का जरिया रही लैंग्वेज स्टडी मैंट द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैटन ग्रामर पर्टिकुलरली इन अर्ली मिडिल मिडल तो अर्ली मिडल एजेस में ये ख़ास तौर पर जो क्लासिकल लेटन ग्रामर थी ये स्कूलों के अंदर और पढ़ाई के शोबे में ये जारी रही सेवन लिबरल आर्ट्स सेवन लिबरल आर्ट्स जो हैं ये कदीम ज़माने में फ़िलासफ़ी लॉजिक लिंग्विस्टिक लिटरेचर हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस सोशियालोजी और साइकालोजी uh, इन सात uh, अलूम को सेवन लिबरल आर्ट्स कहा जाता था अब सेवन लिबरल आर्ट्स दैट कंप्राइज द एजुकेशन सात लिबरल आर्ट्स जो के जिनसे के एजुकेशन बनती है नो फ्यूअर दैन थ्री ग्रामर डायलैक्टिक एंड रेटोरिक डायरेक्ट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द लेटिन लैंग्वेज तो इनमें से जो ग्रामर थी ये लैटिन लैंग्वेज का की स्टडी का एक डायरेक्ट हिस्सा थी आल सेवन लिबरल आर्ट्स वर ऑफ कोर्स सबॉर्डिनेट टू थियोलॉजी और उस जमाने में ये जो सात बताए गए हैं आपको फिलासफी लॉजिक लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस सोशियालॉजी और साइकोलॉजी ये सात लिबरल आर्ट्स तो इनको कहते थे लेकिन ये सारे के सारे थियालोजी का सबॉर्डीनेट थी, यानी उस वक्त का जो मज़हब था क्रिश्चियनिटी थी ये उसके तहत ली जाती थी अप टू दाइनटीन सेंचुरी उन्नीसवीं सदी तक क्लासिकल राइटर्स कलेक्टेड डाटा एंड डिस्क्राइब्ड ग्रीक एंड लैटिन जो क्लासिकल राइटर थे क्लासिकी दौर के लिखारी थे उन्होंने डाटा इकट्ठा किया और ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन जो लैंग्वेज थी इन दोनों को बयान किया आफ्टर द एजेस करन वस्ती के बाद यूरोपियन स्कॉल स्टडी नॉन यूरोपियन लैंग्वेजेस यूरोपी स्कॉलर्स ने जो नॉन यूरोपियन ज़ुबानें थीं उनका मुताला शुरू किया एंड रेड दी वर्क्स ऑफ नॉन यूरोपियन लिंग्विस्ट और नॉन यूरोपियन जो माहिर लिसानिया थे उनके काम को पढ़ा एंड नो लॉन्गर अलाउड ग्रीक एंड लैटिन टू डोमिनेट लिंग्विस्टिक स्टडी और थोड़े ही अरसा में आ, ग्रीक और जो लैटिन लैंग्वेज थी उनकी जो डोमिनेशन थी गलबा था लिंग्विस्टिक स्टडी पर उसका हात्मा हो गया लैंग्वेज इट सेल्फ बिकेम ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन लैंग्वेज बजाते ख़ुद इन्वेस्टिगेशन का ज़रिया बन गई द नाइनटीन सेंचुरी उन्नीसवीं सदी एट द बिगिनिंग ऑफ द नाइन्टीन सेंचुरी अ ट्रू साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स बिगेन टू एमर्ज तो उन्नीसवीं सदी के आगाज़ में अ ट्रू साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक हकीकी साइंस लिंग्विस्टिक की जहूर में आना शुरू हुई इमर्ज होना शुरू हुई द नाइनटीन सैचुरी इज़ दी एयर ऑफ कम्पेरेटिव एंड हस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स तो जो उन्नीसवीं सदी है इसको दौर कहा जाता है कंपेरेटिव लिंग्वस्टिक या फिर हस्टॉरिकल लिंग्वस्टिक का दैट इज़ सीकिंग लैंग्वेज सिमिलैरिटीज़ एंड डिफ्रेंसिज एंड दस्टारिकल रिलेशनशिप और इसमें तलाश की गई जुबानों की एक जैसी बातों की और उनके अखिलाफ की और उनके तारीखी आपस के रिलेशनशिप की टू वन एन अदर एंड डवेल्पिंग दी साइंटिफिक वकीबलरी और साइंसी वकीबलरी जहरा अल्फाज को डिवेल्प किया गया एंड टूल्स और ऐसे टूल्स तैयारी किए गए टू अचीव दिस के उस के ज़रिए से जो लैंगवेज है उसको साइंसी दर्जा दिया जाए नेक्स्ट <coughs> टॉपिक है टॉपिक नंबर ट्वेल्व फ्यूचर इंडिकेटिवस के मुस्कबिल में हमें क्या इशारे मिलते हैं वट विल अर्थ लैंग्वेज भी लाइक इन फ्यूचर दुनिया की जो जुबान है फ्यूचर में कैसी होगी वन कैन नॉट रिलायबली प्रडिक्ट लिंग्विस्टिक फ्यूचर कोई भी शख्स ज़ुबान के फ्यूचर के हवाले से काबिल भरोसा पेशन गोई नहीं कर सकता सिंस सो मैनी नॉन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स आर कॉन्सटेंटली रीशेपिंग स्ट्रैट लैंग्वेज क्योंकि बहुत सारे नॉन लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिकल ऐसे हैं जो मुश्किल तौर पर किसी भी सोसाइटी की जुबान को रीशेप कर रहे हैं उसकी शक्ल बदल रहे हैं इकॉनमिक टर्म्स मीशत में आने वाला आने वाले मोड सिविलेक्शन्स मुआरे के अंदर बगावतें मैस माइग्रेशन बड़ी बड़े जो माइग्रेशन हो रही है एक इलाके से दूसरे इलाके में लोग माइग्रेट कर रहे हैं सडन राइज ऑफ़ नेशंस कदीम ज़माने की कौमें जो बड़ी शानो शौकत वाली थी उनका दोबारा से अचानक उठ पड़ना न्यू टेक्नोलॉजीज़ नई टेक्नोलॉजी सोशल फैड्स समाजी ए, Uh, समाज्य के अंदर जो धुंधली चीज़ें हैं एंड मैनी अदर और कई ऐसी चीज़ें हैं जो लैंग्वेज को रीशेप कर रहे हैं पॉसिबल लिंग्विस्टिक सिनेरियोस मुमकन लिंग्विस्टिक सिनेरियो हो एवर रेफरेंस टू पार्ट लिंग्विस्टिक चेंजेस एंड रिकोगशन लिंग्विस्टिक ट्रेंड्स कैन प्रोवाइड पॉसिबल लिंग्वस्टिक सन्ैरियोज़ ताहम जब हम हवाला देते हैं कदीम जमाने की uh, लसानी तब्दीलियों का एंड रेकनीशन ऑफ प्रेजेंट लिंग्विस्टिक ट्रेंड्स और मौजूदा ज़माने में जो जबान के मुख्त्य रुझाना पैदा हो रहे हैं उनकी पहचान जब हम करते हैं तो हम लिंग्विस्टिकनेैरीयों के बारे में मुमकिना लिंग्विस्टिक सन्हरीयों के बारे में बात कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर दियर नियर फ्यूचर कम अज़ कम मुस्तबिल करीब के लिए वन माइट आल्सो विश टू कंसिडर द एक्टिविटीज ऑफ मेनली इंग्लिश स्पीकिंग एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटिजीज हुक्सपेंडिंग देयर बेलि एट प्रजेंट कोई भी शख्स हाइस करता है टू कंसिडर दी एक्टिविटीज़ के उन सरगर्मियों के बारे में ख़्याल करे खास तौर पर जो इंग्लिश स्पीकिंग हुकूमत या कॉरपोरेट के स्ट्रेटी बनाने वाले हैं जो कि अपनी अमलदारी को मौजूदा दौर में बढ़ाते जा रहे हैं इनक्रीजिंग दी लाइवलीहुड ऑफ देयर लैंग्वेज और आ, वो इस बात को आ, आ, मुमकन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी ज़बान इंग्लिश है प्रिवेलिंग ओवर दो लैंग्वेज़ ऑफ़ नॉन स्ट्रेटिस्ट इन कमिंग डेकेट्स के आने वाले जो डेकेट्स हैं उनमें जो गैर-संजीदा ज़ुबानें हैं उनके मुकाबले में इंग्लिश लैंग्वेज प्रिवेल कर जाए तो इसके हवाले से इंग्लिश के जो आ, अमलदारी करवाने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं अनप्रेसिडेंट ट्रांसफार्मेसन बे तब्दीली या अनोखी तब्दीली आप कह सकते हैं अनप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए ड्राइंग एनालॉजीज टू पास लिंग्विस्टिक चेंजेस एंड डायनामिक नो लॉन्गर होल्ड अनकालीफाइड वैलिडिटी ऑल ट्रेडिशनल रिलेशंस ऑफ पोलिटिकल कल्चर एंड इकोनॉमिक पावर बिटवीन वेस्टर्न नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इन प्रोसेस ऑफ अनप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑल ट्रेडिशनल रिलेशन तमाम जो रवायती ताल्लुक हैं पोलिटिकल कल्चरल इकानमिक पावर बिटवीन वेस्टर्न नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मगर भी एक में और बाकी दुनिया में जो पोलिटिकल ताल्लुक हैं कल्चरल हैं इकानमिक ताल्लुक हैं आर इन प्रोसेस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन वो एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरे हैं जिस नो अपर्स टू बी ए परमानेंट ग्लोबल फीचर और ये हमें एक मुकम्मल ग्लोबल फीचर अब नज़र आ रहा है विच विल परस क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड आर्डर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करेगा हुज नेचर एंड क्वालिटी आर स्टिल लार्जली आर नॉन इसकी नेचर को और इसकी क्वालिटी को अभी भी हम नहीं बता सकते नॉट सिम्पली चेंज एंड लॉस एज इन दास्ट यह कुछ सिंपली चेंज और लॉस नहीं तब्दीली नहीं जैसे कि माजी होता रहा है इज़ करंटली डिस्क्राइबिंग लिंग्विस्टिक हिस्ट्री यह मौजूदा दौर में जो लिंग्विस्टिक हिस्ट्री है इसको बयान कर रहा है बट आल्सो एक्सपेंशन ऑफ द डोमेन ऑफ लैंग्वेज टू अ डिग्री हिट हर टू एंड प्रेसिडेंट इन ह्यूमन सोसाइटी बल्कि ये लैंग्वेज की डोमेन की जो वसत है उसका इजहार कर रहा है जो अनप्रेसिडेंटड है जो एक अनोखी होगी बड़ी अजीबो गरीब होगी इंसानी मुआरे में दिस इज़ करंटली री इन्वेंटिंग वट वन मीन्स विच दर्ड लैंगवेज इट सेल्फ और ये मौजूदा ज़माने में ज़ुबान अपने आप को दोबारा से री इन्वेंट कर रही है लिंग्विस्टिक्स एटलस बिकमिंग ऑल बट मीनिंगस लिंग्विस्टिक एटलस एटलस कहते हैं नक्शों की किताब को तो लिंग्विस्टिक एटलस जो है ज़ुबानों की जो एटलस है बिकमिंग ऑल बट मीनिंगस ये बेमानी होती जा रही है न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज आएगी और एलेबोरेटरिंग इनोवेटिव एक्सटेंशन ये बड़ी अजीबो गरीब और नई से नई वसत लेके आ रही है ऑफ ह्यूमन स्पीच इंसानी गुफ्तु में स्पीच में अलाउंग ए न्यू मीडियम ऑफ लैंग्वेज और नया लैंग्वेज का मीडियम जो है ना वो आ रहा है टू आर्टिफिशली कम्यूनिकेट विद दट सेल्फ जो अपने आप से ही मसलूरी तौर पर कम्यूनिकेट कर सकता है लैंग्वेज थ्रू आउट हिस्ट्री हैज़ मैंट जियोग्राफिकल टेरीटरी लैंड जो लैंग्वेज है हिस्ट्री में इसको जियोग्राफिकल टेरीटरी या ज़मीन समझा जाता है यानी ज़मीन के ऊपर बोलने वाले लोगों की ज़ुबान नो लिंग्विस्टिक एटल्स हैज़ बिकम ऑल बट मीनिंगस अब जो लिंग्विस्टिक एटल्स है जो जुबानों के नक्शे की किताब है ये मीनिंगस होती जा रही है लैंग्वेज प्राइमरली मीन टेक्नोलॉजी एंड वेल्थ लैंग्वेज का बुनियादी मतलब है टेक्नोलॉजी और दौलत अ न्यू बॉर्डरलैस वर्ल्ड बगैर बॉर्डरों के दुनिया विद दी डायरेक्शन अप एंड डाउन जिसकी डायरेक्शन अप और डाउन है सेपरेटिंग द हैव फ्राम दी है और ये येदा कर रही है होने को और ना होने को प्रोफिशेंसी इन दी प्लैनट्स सिंगल कॉरपोरेट लैंग्वेज पर हैप्स अल्टीमेटली इंग्लिश और प्लानट की एक कारपोरेट लैंग्वेज बन जाएगी और शायद वो हतमी तौर पर अंग्रेजी ज़ुबान ही होगी विल सोन्ट डिफाइन ईच पर्सन प्लेस ऑन अर्थ और हर शख्स की ज़मीन के ऊपर उसके मकाम को यह वजाहत करेगी एंड बी जॉन्ड या फिर ज़मीन से आगे की दुनियाओं के बारे में भी ये ज़ुबान वजाहत करेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर एक्स ट दी मैनिपुलेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टीज़ एंड मैथड्स इन आर्डर टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो कंप्यूटर जो है ये मुख्तु वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करना उनके ऊपर हिसाब किताब करना मुख्तु प्रॉपर्टीज खसूसियात को और मुख्तलिफ सोल्यूशन देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीके जो हैं और पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इसको इसने तेज़ कर दिया द रिजल्ट आफ ए प्रोग्रामिंग प्रोसेस इज़ ए प्रोग्राम फॉर टेक्सट प्रोसेसिंग एक जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस होता है उसका नतीजा होता है आप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर हमारे लिखे हुए काम के ऊपर प्रोसेस करता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं डाटा बेस होते हैं एंड अदर कंप्यूटर एक्टिविटीज़ और कंप्यूटर की दूसरी सरगर्मियाँ होती हैं सबको प्रोग्रामिंग प्रोसेस कहते हैं अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर लिंग्विस्टिक रिसर्च प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आ, Uh, लिसानिया की या लिंग्विस्टिक की रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कंपाइलर रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है टीचिंग के लिए और कई दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इट इज़ ए लैंगवेज विच इज़ ए मीडियम आफ़ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ये एक लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मीडियम आफ़ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मालूम के तबादले तो का एक जरिया है बट इट इज़ होली डिफरेंट फ्राम आल प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज नोन एज नाउन टू मैन का ह्यूमन काइंड लेकिन इंसान जितनी जुबानों को पहले जानता है उनके मुकाबले में ये मुकम्मल तौर पर मुख्तफ है accept perhaps written language with its main types and forms of scripts reproducing nature language. internet, email and new, news group. one of the internet's most widely used sources is language teaching and learning. so internet cooper sub but in language teaching or uh, learning be. this usage promotes and preserves in hit her to unprecedented fashion not only living uh, uh, languages but extinct tongues as well. तो ए, इंटरनेट के जरिए से ना सिर्फ हम आज की मौजूदा ज़बानों के ऊपर अबूर हासिल कर सकते हैं बल्कि जो जुबानें नापेद हो चुकी हैं ख़त्म हो चुकी हैं उनको भी द मोस्ट पॉपुलर क्लासिक लैटिन जिनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो क्लासिक लैटिन है कि उसके ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं उसको सीख रहे हैं द इंटरनेट कै नॉट रीप्लेस फ़ेस टू फेस लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन जो इंटरनेट है ये रिप्लेस नहीं कर सकता फेस टू फेस लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन को है अगर रिसर्चर्स बिलीव ई मेल कम्युनिकेशन रिमेबल्स ओरल कम्युनिकेशन तो जो रिसर्चर्स हैं उनका यकीन है कि ई मेल कम्युनिकेशन जो है ये मुशाबित रखती है ओरल कम्युनिकेशन से दैट मेक यूज ऑफ ए कैजुल लिंग्विस्टिक स्टाइल विच इंक्लूड्स क्लोक्योलिज़म एंड एलिप्टिकल स्पीच दैट इज ग्रेट इकॉनमी ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज डिसअपियरिंग ज़ुबान गायब हो रही है सोन आल अर्थ लैंग बट ए स्मॉल वेस्टिजियल नंबर विल डिसअपियर जल्द ही दुनिया की तमाम जुबानें गायब हो जाएंगी या फिर चंद एक थोड़ी बहुत जो मदूम ज़बान हैं वो रह जाएंगी लिविंग वन लैंग्वेज फॉर आल मैन काइंड और इंसान के लिए एक ज़ुबान जो है वह बाकी बच जाएगी दुनिया की एक ही जुबान होगी विद इट्स लैंगवेज काउंटर पार्ट और इसके साथ अशारों की जुबान जो लोग डेफ हैं बातें नहीं कर सकते उनकी ज़ुबान साथ कायम रहेगी विद दिस लॉस द न्यू ग्लोबल सोसाइटी विल सिमस्टेनली अटेन टू अ डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन हिट अर टू अन इमेजिनेबल और इस नुकसान के साथ ही जो नई ग्लोबल सोसाइटी आएगी वो एक नया अनइमेजिनेबल नाकबले तस्वर कम्युनिकेशन का सिस्टम उनके लिए मौजूद होगा विद रिलेटेड बेनिफिट्स फॉर आल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें तमाम इंसानी सरगर्मियों के बेनिफिट मौजूद होंगे फार लैंग्वेज इन ऑल इट्स मायरियड फॉर्म्स लैंग्वेज के लिए इसकी हज़ारों शक्लों के लिए जिनमें कैमो कम्यूनिकेशन है डांस इन्फ्रासाउंड है अल्ट्रासाउंड है जेस्टर्स हैं ओरल स्पीच है राइटिंग कंप्यूटर लैंग्वेज है इज़ वेरी नेक्सेज ऑफ नेचर ये सब की सब फितरत की कड़ियाँ हैं एंड ऑफ नेचर्स कम्यूनिकेट कम्यूनिकेटिंग क्रिएशन और नेचर ने जो बातचीत करने वाली क्रिएशन या महलूकत पैदा की हैं तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे लेसन का ये काफ़ी बड़ा लेसन था इसका हाथमा होता आप है आपसे गुजारिश है स्टडी टाइम फल आल चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बार-बार मिल सकें वीडियो को लाइक करें कमेंट्स से दोस्तों शेयर करें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक तो के लिए अल्लाह हाफिज़